राजस्थान के 12 छिपाब दौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के कस्बा मुख्यालय के अकलेरा रोड से ठीक पुराने हरनावदा शाहजी रोड पर होंडा मोटरसाइकिल शोरूम के पीछे और मेरा समाज की धर्मशाला के ठीक सामने बरसात का और नालियों का गंदा पानी सड़क पर इस कदर जमा हुआ कि इस बार इस सड़क से होकर निकलने में भी लोग कतराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस सड़क रास्ते के अलावा और कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। कांग्रेस जिला महासचिव ब्रजराज मीणा ने बताया कि छिपाब दौड़ कस्बा मुख्यालय के अकलेरा रोड पुराने हरनावदा शाहजी रोड से होकर रोजाना हजारों लोगों का आवागमन लगा रहता है। उसके साथ ही इस सड़क से दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोगों सहित अन्य कई जिलों और मध्य प्रदेश तक के राहगीरों का आना जाना लगा रहता है और इस सड़क से होकर उप तहसील हरनावदा मनोहर थाना से लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों का कामखेड़ा बालाजी महाराज के दर्शन करने हेतु हजारों लाखों लोग इस सड़क पर जमा बरसात एवं नालियों के गंदे पानी में होकर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। कामखेड़ा बालाजी महाराज के यहाँ बरसात में सावन माह में सड़कों पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। उसके बाद भी यहाँ की जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं, जबकि इस सड़क पर जमा पानी में होकर ग्राम पंचायत की सरकार के वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच, प्रधान, पूर्व एवं वर्तमान विधायक, मंत्री और सांसद तक इस सड़क से होकर गुजर चुके हैं, जिनको स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसकी लिखित में एवं पानी में रुकवाकर भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इसकी किसी को आज तक जू तक नहीं रहेंगी है। ब्रजराज मीणा कांग्रेस जिला महासचिव 12 छिपाब दौड़ ने पूर्व में इसको लेकर कांग्रेस सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया को इसकी लिखित में समस्याओं से अवगत कराया गया। सर, यहाँ का विकास क्यों रुका हुआ है? पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे छिपाब रोड में विकास हो रहा है, लेकिन इकलेरा नाका से और ये जो लासी डैम को जोड़ने वाली जो सड़क है, यहाँ का विकास किस कारण से रुका हुआ है? मैंने पिछले दिनों में प्रमोद भाई जी को भी इसके बारे में लिख के दिया था कि लासी डैम तक, इकलेरा नाका से लासी डैम तक इसका निर्माण किया जाए और दोनों तरफ नालियाँ बनाई जाए ताकि सौंदर्यकरण हो और छिपाब रोडवासी इसमें एक इसको देखने जाएँ और अच्छा लगे सबको। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार में एक काम नहीं हो पा रहा है, मेरे को भी दुख होता है। लोग आते जाते मेरे से बोलते हैं, कहते हैं कि ये काम कैसे नहीं हो रहा, तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई मैंने बोल दिया है, कह दिया है, एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई थी और ये काम जरूरी है। यहाँ हो करके लगभग रोजाना कितने वाहन, कितने गांव की पब्लिक यहाँ? 300 गांव के लोग यहाँ निकलते हैं खामखेड़ा तक, मनोर थाना तक, और लोग कीचड़ में यहाँ हो जाते हैं, पेंट हो जाते हैं, उनके जूते हो जाते हैं, परेशानी तो बहुत है। यहाँ का ये विकास लगभग कितने समय पहले पूर्ण हुआ होगा? इसका विकास तो कुल मिला के हुआ ही नहीं, ढंग से कोई काम किया नहीं अभी तक, क्योंकि काम होता तो यहाँ इतनी परेशानी नहीं होती। ब्रजराज मीणा, कांग्रेस जिला महासचिव, छिपाबड़ो 12। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।